हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर WWE स्मैकडाउन। हियर कम्स द पेन वीडियो। और इस बार हम खेलते हैं रॉयल रंबल। और कुछ लोगों ने मतलब मेरे वीडियोस में कमेंट किया था कि गोल्डबर्ग को लेकर के रॉयल रंबल खेलो, तो इस बार मैं गोल्डबर्ग को लेकर के रॉयल रंबल खेलता हूँ। तो मैं अपना गोल्डबर्ग को खेलते हैं। तो लेते हैं गोल्डबर्ग और सीजन मोड में इसका 94 है। इससे ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कौन सा इसमें वो कुछ करना नहीं है, पिन वगैरह फॉल दो, बस बाहर फेंकते जाना है सबको। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, बट यार वही है, रॉयल रंबल में पता नहीं चल पाता, कोई एकदम एक सेकंड के लिए तुरंत ही एलिमिनेट कर देते हैं, तो आते ही फेंकने की कोशिश करना है सबको। अरे यार ये तो रिवर्स करे पड़े। नहीं नहीं नहीं, रेमिस्टीरियो आ गया। और यार डिफिकल्टी मेरी हार्डेस्ट है, इसीलिए तुम लोग देख रहे हो कि ये रिवर्स पे रिवर्स किया जा रहा है। ये नहीं कि मैं इजी डिफिकल्टी पे लगा देता हूँ, बाहर कर रेमिस्टीरियो को बाहर करना पड़ेगा। अबे यार ये कंप्यूटरों का दिमाग ख़राब मेरे इसीलिए होता है कि साले डबल टीम करने लग जाते हैं। इसको एक जैक हैमर देनी पड़ेगी, उसका ध्यान मेरे से हट जाए ताकि आपस में लड़े, वो भी अब मेरे कोई बहुत चूती है यार, देख रहे हो। स्टूडियो को फेंकना है जल्दी से बाहर। डीवॉन डडली आया, वो भी मेरे चक्कर में पड़ जाएगा, मेरे को लग आया ना सर। स्टूडियो बाहर, डीवॉन हाँ इसको भी बाहर फेंकना है, गया बाहर। गोल्डबर्ग का ये फायदा है कि मस्त वाली किक है यार गोल्डबर्ग की, कि बाहर फेंका ही जाते यार। बस आयरिश व्हिप नहीं करना, नहीं 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 साले केविन नैश विलन आ गया। शॉन माइकल्स को भी फेंकना है अभी, और नहीं भाई यार कितने साले ये आते ही फेंकने के चक्कर में रहते हैं। अबे यार एक तो मिस हो जाता है बार बार, आ गया ये भी। अब राइनो को फेंकता हूँ जल्दी से, आते ही बाहर हो। नहीं भाई बाहर जाएगा। अबे यार ये क्या कॉम्बिनेशन मारने लगा चूतिया, जैसे पंच कॉम्बिनेशन मार रहा है इधर राइनो। अबे यार दिमाग खराब हो जाता है, सही बता रहा हूँ चूतिए कंप्यूटरों की वजह से। एक तो ये आके ना घेरने लगते हैं, क्या रहा हूँ ठीक ना। अबे यार ये कैसी गोल्डबर्ग की है यार, मेरे को लग रहा था कि ओ भाई दो दो बंदे बाहर किसने कर दिया अचानक से, मैं देख नहीं पाया, मैं इधर राइनो के उसमें था। जल्दी फेंको यार बाहर एक दूसरे को, फेंक लिया बबल है डडली ने ये भी। हाँ क्रिस जेरिको, नहीं 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 भाई आयरिश व्हिप मत। हाँ ठीक है स्मैक मार ले यार, लेकिन ठीक है नहीं है बाहर। पूरी कोशिश करूँगा यार कि मैं इस बार गोल्डबर्ग से ही, लास्ट बारी वीडियोस में मैंने वो बच गया यार, हरिकेन ने बचा लिया और उसने उसको भी बाहर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट बार मैंने बनाए थे जो वीडियोस रॉयल रंबल के, तो यार बीच बीच में कोई ना कोई ऐसा आके मेरे को बाहर निकाल ही देता था, बट कोई नहीं कोशिश करता हूँ। इसमें भी रिस्क तो है यार, जैसे कि ये रैंडी ऑर्टन आया ना, ये आते ही बस इनको कोई काम नहीं है यार, जब बाहर एक यार ये तो गोल्डबर्ग साला इतना चूतिया है ना, मैं कभी गोल्डबर्ग से वैसे खेलता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन ये पंच कॉम्बो मारने लगता है गोल्डबर्ग। नहीं 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 साले हराम को ट्रिपल एच, यार सही में दिमाग खराब हो गया यार। ये रॉयल रंबल में ना सही बता रहा हूँ कोई मतलब भरोसा ही नहीं है कि कोई मतलब वैसा खेल सके, यार दिमाग खराब सही में कर दिया इसने।
अब क्या अंडरटेकर ही लेना चाहिए मेरे, ट्रिपल एच नहीं लूँगा इसको, सबसे पहले बाहर करना है ट्रिपल एच को, इसको पहले थोड़ा भीड़ खाली करता हूँ, नहीं तो यार कोई भी गिरा देता है, पता नहीं चल पाता। अभी रैंडी ऑर्टन को बाहर भेजता हूँ, अबे यार जा बाहर। यार ये पंच क्यों मारने लगते हैं यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये अब वो जमीन में लेटा हुआ है भाई, उसको पंच क्यों मार रहे हो यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत चूतिए हैं। जा बाहर, बिग बूट आ गया, जॉन सीना भी। अब देखो वो नीचे लेटा हुआ है, लात मारनी चाहिए ना तब वो बाहर गिरेगा, लेकिन नहीं, इनको ये कौन सी क्रिश्चियन की फिनिशर है यार, किल स्विच वैसे तो देता है लेकिन ये पता नहीं शायद पहले रही हुआ ऐसे। बिग पॉपा पंप स्कॉट स्टाइनर, ब्रॉक लेसनर भी आ गया यार, जा स्कॉट स्टाइनर बाहर। ब्रॉक लेसनर को बाहर करना है यार, अरे यार ये तो भयंकर रिवर्स कर रहा है, लेकिन मैं भी रिवर्स करूँगा। अरे यार जॉन सीना साले गांडू देंगे, जॉन सीना को तो बाहर करना पड़ेगा। ये क्या भाई यार, अंडरटेकर सही में बहुत बड़ा देव, अबे यार जॉन सीना क्या ही बोलो यार, रुको यार समझ ही नहीं आ रहा मेरे यार, इसको ले लूँ अभी, टी ऑस्टिन है लेने लायक, बट यार अभी मेरे को मतलब लग रहा है कि दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना इसमें मतलब सही नहीं है कि खेल वीडियो भी डाल रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब यार अब गोल्ड वर्क से खेलना है, मतलब गोल्ड वर्क से जीतना है ना रॉयल रंबल, ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी बस वीडियो डालने के लिए बना दिया। इसको मतलब अपलोड तो करूँगा यार, अब टाइम इसमें दिया है मैंने थोड़ा तो, लेकिन ये है कि ना एक और वीडियो बनाऊँगा अभी जिसमें गोल्ड वर्क में कोशिश करूँगा पूरी कि मतलब वो तो हो ही सके, मैं जीत सको उसमें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा यार गोल्ड वर्क से 100%। नहीं अरे पीछे साले गेंडे यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया है WWE को यार, ये लात क्यों नहीं मार रहे हैं, ये अलग टाइप वाली यार ये लात मार रहे हैं। जब कोई रिंग के जैसे एप्रन के कोने में रहता है ना, तब वहाँ पे पता नहीं क्यों यार ये पंच मारने लगते हैं, जबकि वो ज़मीन में पड़ा हुआ है, फिर भी अब काला गेंडा। अभी इसको टेस्ट फेंकता हूँ, ये बहुत चूतिया दिख रहा है यार, कैसा इसका शरीर है भाई, जा तू। हाँ अब कौन आया कट एंगल, सुप्लेक्स मशीन आ गए हैं अपने, कोई स्टनर देना पड़ेगा पहले। अरे यार ये तो रिवर्स नहीं यार, मत फेंकना भाई दे दिया, वहाँ जेफ हार्डी फिनिशर दिया उसने सेंट ऑल फोनटोन बॉम। अरे यार पागल है क्या भाई, उसको मारना मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जब एक दूसरे को देख, अभी कट एंगल उठेगा तो उसको पेलेगा। हाँ अरे यार ये चूतिए हैं यार, ये क्या कर रहे हैं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई। हाँ जो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं फिर भी वो अपना टारगेट स्विच करके मेरे पीछे आ रहे हैं। स्मैक दे ना, जेफ हार्डी भी पागल हो गया है, स्मैक है, स्मैक की पोजीशन है, फिर भी दे नहीं रहा है। वाह एक ना, हाँ अब इसको एक, ओ भाई ये तो इसको एक पहले स्टैनर देनी है,
और एक और पहले एक अपने कमीशन फुल कर लेता हूँ। ये रिवर्स ही बहुत करते हैं यार। हाँ मेरी दो फिनिश मैप फुल हो चुकी है। अब एक नॉर्मल इसको वो देता हूँ पहले, उसे दिया क्या नहीं दिया। हाँ अभी इसको पहले, अबे यार कितना रिवर्स करेगा साले का टैंगल। इसको एक बड़ी वाली करना दूंगा। अभी ये और देना है इसको स्टनर, एक ये वाली स्टनर दे। अरे यार रुको, वो एक एक इसकी ना स्टीव ऑस्टिन के मूव सेट में भी एक ये वाली स्टनर है। अगर ये रिवर्स नहीं करेगा तो देखना। अरे यार रिवर्स कर दिए, मतलब बिना फिनिशर के भी वो स्टनर मारता है, उसकी सिग्नेचर मूव टाइप में है। अरे यार ये क्या ड्रॉप किक पे ड्रॉप किक दिए पड़े, कुछ और नहीं आ रहा क्या। अच्छा वो अपने मैनेजर के लिए सेट कर रहा था। एंगल लॉक फंसा ले भाई, क्या कर लेगा फंसा ले। हो गया आ गया मजा, और फंसा ले लॉक बस आ गया मजा। देखना नहीं बस अभी, क्योंकि एक कुछ थोड़ा सा पीटना पड़ेगा यार। बहुत रिवर्स कर रहा है, बहुत रिवर्स। इसको मेरे को वो देना है बताया ना, जो देखो फिनिशर कितना रिवर्स करेगा भाई। इसको वो वाली स्टनर देनी है। क्या यार कितना रिवर्स करेगा, दिमाग खराब भाई, सब रिवर्स किए पड़ा है यार। फिनिशर देने के चक्कर में ये पीछे से गया था। तो थोड़ा लात ही लात से मारना पड़ेगा, बहुत बहुत तेज ही है। इसका शरीर ख़त्म करूँगा। वाह भाई कितना रिवर्स कर रहा है, वाह फिर से रिवर्स। एक तो यार कितना रिवर्स करेगा भाई, एक स्टनर मारनी है यार। वो वाली बिना स्टनर, हाँ अभी दी गई ये वाली स्टनर मस्त लगती है, मतलब डैमेज उतना ज़्यादा होता नहीं है। ओ भाई इसने पेपर सुप्लेक्स कॉम्बो दे दिया, लेकिन मज़ा आता है ना बिना बिना फिनिशर से। तो मतलब अगर स्मैक दे रहे हो ये लेकिन तो थोड़ा तो एक बार और कितना रिवर्स करेगा यार, एक और ले। दो टाइप की यार, एक और है इसमें मेरे को, एक उसमें ना खड़ा रहता है सामने वाला बंदा, और उसको तुम फिर वैसे भी स्मैक दे सकते हो। वो वाली का कॉम्बिनेशन क्या था याद नहीं आ रहा है, लेकिन यार मैं ना यही सब चक्करों में ना मतलब मैं जीत नहीं पाता हूँ। यही सब के चक्कर में लगा रहता हूँ कि थोड़ा सा मूव मार लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर वो अचानक से फेंक देते हैं और फिर कुछ हो नहीं पाता। तो इसको बाहर करता हूँ, एक स्मैक तो दे दूँ बस फिर। ओ भाई रिवर्स कर दिया साले, तो अब इसको फेंक ही देता हूँ। अब यार रिवर्स कर दिया इसने तो। टीम एंगल फक यू कट एंगल, मत करना रिवर्स प्लीज। अबे यार दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या पंच मार रहे हैं भाई। हाँ जीत गया यार, लेकिन गोल्डबर्ग से जीतना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं यार क्या कर सकते हैं। स्टीव ऑस्टिन गोल्डबर्ग दोनों टकले, दोनों की यही फ्रेंच कट बियर्ड है। वाह बियर मंगा ली इसने ये बियर। चलो यार गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि गोल्ड कप को लेकर और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं गोल्ड कप से रॉयल रंबल जीत सकूँ। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।